बढ़ती गर्मी के चलते घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण लोग भी अब बीमार होते नजर आ रहे हैं। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में भी ओपीडी की संख्या 1000 से 1500 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से गर्मी को देखते हुए एहतियात बरतने को कहा है। लोगों से गर्मी में कम बाहर निकलने का आग्रह किया है। वहीं लगातार पानी पीने की सलाह दी है। इसी के साथ शरीर को पूरी तरह से ढकने और पैक जूस को ना पीने की बात कही गई है। ये मामले जो है गर्मी में एहतियात ही है। असल में मेडिसिन गर्मी की नहीं होती कोई ज्यादा। इसमें आपको एक तो डायरेक्ट हीट कॉन्टैक्ट से आने से बचना है। उसके लिए क्या है कि अनावश्यक घर के बाहर मत जाए। बाहर अगर आपको जाना पड़े तो आपको पूर्णतः ढका होना चाहिए शरीर, छाता वगैरह आपने लिया होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि आप अपने शरीर में डिहाइड्रेशन ना होने दें, पानी की कमी ना होने दें। उसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और जो ताज़े फलों के जूस हैं उसको ज़्यादातर ध्यान रख के पिए। और जैसे नींबू की शिकंजी वगैरह होती है आराम से बनाई जा सकती है, उसका सेवन ज़्यादा। हाँ, वो जागरूकता तो चली हुई है। स्कूलों में भी पानी की सप्लाई को सुनिश्चित किया गया है और टॉयलेटों को सफाई करने के लिए, और साथ में इनको ये भी ध्यान दी गई है कि जैसे बाहर धूप वगैरह है तो उस वक्त बच्चों की पीटी और नहीं होनी चाहिए।